हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट्थ के पोलस्टार में से सैंपल पेपर नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। हमें जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये एक्स यहाँ पे, ये प्लस 3 इस साइड प्लस का है, तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 3। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बस यही था कि x की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हमें जस्ट फॉर्मूला ही बताना है कि क्या होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस केस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक डायग्राम है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो है वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो अलग अलग है। लेंथ 14 सेंटीमीटर है और बीसी उसकी ब्रेथ जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो इसकी 7 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी है 14, बी की वैल्यू कितनी है 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 4 28, 2 कैरी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास। हमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिया है, पार्ट ऑफ बेस दिया है। हमें जो है वो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस का है। पहले तो हम चेक करेंगे कि इस पे कौन सा रिलेशन लगेगा, डायरेक्ट का लगना है कि इनवर्स का लगना है। तो अगर तो एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और अगर एक में एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो इसमें अगर हम रेड पिगमेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमें बेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारा ये भी जो है वो ये भी इंक्रीज ही होगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बन रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होती है उसको इक्वल रखेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 8 × 4, विच मीन्स की 32। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th की स्टेटमेंट है हमारे पास, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हरुण की जो एजेस की रेशियो है वो हमें 5:7 गिवन है। 4 years लेटर द सम ऑफ द एजेस विल बी 56 years। आज से 4 साल बाद जो उनकी एजेस का सम होगा वो 56 हो जाएगा। हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे उनकी प्रेजेंट एज को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी, राहुल की रेशियो 5 है तो ये हो जाएगी 5x। जो भी आपके साथ रेशियो वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम रेशियो को x, उस जो भी रेशियो गिवन होते हैं उसके साथ x को मल्टीप्लाई करके उसको कंसीडर करते होते हैं, क्योंकि रेशियो में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे मैं यहाँ पे 5 × 5 रखूँ तो ये कट जाता होता है, तो यही हमारा x होता है। तो रेशियो में हमेशा हमारे पास एक कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम x लेके चलेंगे। तो राहुल की हमने 5x मान ली, और हरुण की जो है वो हम
हारून की हम मान लेते हैं कि वो 7x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि आज से 4 साल बाद, आज राहुल की एज कितनी है 5x, आज अगर उसकी 5x है तो 4 साल बाद कितनी होगी, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी आज 15 साल एज है तो 4 साल बाद कितनी होगी, 15 प्लस 4 19। तो अगर आज उसकी 5x है तो 4 साल बाद कितनी होगी, उसमें 4 ऐड करने पड़ेंगे। और जो हमारे हारून होगा उसकी आज कितनी है 7x है, 4 साल बाद कितनी होगी, इसमें 4 और ऐड करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में हमें ये बोला कि इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 56 आ रहा है। अगर हम इन दोनों एजेस को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 56 ईयर आएगा, ऐसा हमें स्टेटमेंट में बोला है। तो बस ऐड कर देते हैं अब इनको, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। एक्स एक्स वाली टर्म्स को जोड़ दो, 5 और 7 दोनों x वाली टर्म्स है, 5 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x, 4 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 56। ये 8 यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये माइनस का आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 12x, 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, 12 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें दोनों की एजेस निकालनी है तो राहुल की एज निकाल लेते हैं पहले। राहुल एज कितनी है उसकी, उसकी है 5x, मींस की 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 इयर्स जो है वो एज आ जाएगी हमारे राहुल की। हारून की भी निकाल लेते हैं, हारून की है 7x, मतलब कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ही हो जाएगी हमारे पास 28 इयर्स। तो ये आ गई हमारे पास राहुल की एज और ये आ गई हमारे पास हारून की। एक की 20 ईयर है और दूसरे की 28 इयर्स है। अब कर दे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की ही चॉइस है, हमारे पास चॉइस वाला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स, हमें बोला है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास उनका जो एडिशन आएगा वो 888 आता है। हमें जो है वो मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, मींस हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर जो है ये कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक नंबर है ये कंसेक्यूटिव, ऐसे नंबर्स होते हैं एक के बाद एक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो सारे नंबर्स जो होने चाहिए वो सारे के सारे 8 के मल्टीपल होने चाहिए। मीन्स की वो बात क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि 8 के टेबल पे आने चाहिए, जैसे कि 8 16 24, ऐसे नंबर होने चाहिए लेकिन वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए 3 लगातार। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेट करेंगे, लेट द नंबर्स आर, हम क्या करते हैं एक नंबर को मान लेते हैं कि वो 8x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इसके आगे वाला नंबर 8x प्लस 8। अब थर्ड वाला नंबर क्या हो जाएगा इसके आगे वाला नंबर, मतलब कि 8x प्लस 8 तो पहले ही था, इसमें 8 और ऐड होगा, मीन्स कि ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 16। तो ये हमारे पास 3 नंबर बन गए, एक नंबर क्या बना 8x, एक क्या बना 8x प्लस 8 और थर्ड क्या बना 8x प्लस 16, ये 3 नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर हम तीनों को ऐड कर दे, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है 888। अब एक्स एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर लो, एक्स 8x प्लस 8x, 8 प्लस 8 16 16 प्लस 8 24, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस 16 प्लस 8 24 8, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 24x, नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि बिना x वाली टर्म थी, इज इक्वल टू 888। ये यहाँ प्लस तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 888 माइनस 24 इज इक्वल टू में आ गया 24x।
ट्रिपल एट में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 468, 864। ये यहाँ 24 मल्टीपल हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसको डिवाइड करना है, 8 3 24, 8 1 8, 8 8 64, यहाँ पे आ जाएगा 108। फिर से 3 के टेबल पे कट जाएगा, 3 3 9, 3 6 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। हमें क्या निकालना है, 8x, 8 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। इसके बाद इसमें 8 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 296। इसमें 8 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304। तो ये तीन नंबर्स हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे, तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर जिनका सम भी 888 आएगा। चेक कर लीजिए, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 888 ही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड हमें जो है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो एंगल हमें कोई गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल के अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसलाइन बनाएंगे। बेसलाइन हम 5 सेंटीमीटर की बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइव सेंटीमीटर की बेस लाइन बन गई। अब इस पे दोनों तरफ जो है वो हम, ये हमारी ए बी लाइन होगी, इसके दोनों तरफ ए और बी पॉइंट दोनों पे जो है वो हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए हम दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल आपको बनाना आता होगा, हम ऑलरेडी बहुत बार सीख चुके हैं 90 डिग्री एंगल बनाना। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी एंगल्स को बनाना सिखाया है कि कैसे बनाते हैं सभी एंगल्स। तो इधर बन गया हमारा 90 डिग्री का। अब बी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का बना लेते हैं। 90 डिग्री का बनाने के लिए कंपस आप कितनी भी खोल सकते हो, कोई कंडीशन नहीं होती कि कंपस कितनी खोलनी है, लेकिन एक बार जितनी खोल ली है तो उसको फिर चेंज नहीं करना, कंपस सेम ही रहेगी। फिर ये हमारे बन गए दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल। अब इनको मिला देते हैं। इधर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गए हमारे दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास बीसी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। बी से मतलब कि सी पॉइंट यहां कहीं पे होगा, तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल लेते हैं, क्योंकि बीसी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, इसलिए 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल रहे हैं। अगर आपने बेसलाइन पहले 4 की लगाई होगी तो इस बार आप 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे। हमने 5 सेंटीमीटर की बेसलाइन लगाई थी, इसलिए हम 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल रहे हैं। इसे बी पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ए से डी तक का डिस्टेंस वो भी 4 सेंटीमीटर होगा, मीन्स कि हम ए पॉइंट पे भी कंपास रखेंगे, वहां पे भी आर्क लगा देंगे। अब इन दोनों आर्क को आपस में मिला देंगे। दोनों का आपस में मिला देंगे, ये हमारी बन गई रेक्टेंगल, ये हमारी पॉइंट हो जाएंगे। ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। ये 5 सेंटीमीटर थी, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पहले पार्ट में पूछा गया कि हाउ पिरामिड एंड सिलेंडर आर सेम। पिरामिड और सिलेंडर सेम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक पिरामिड हमारे पास, अगर पिरामिड के नंबर ऑफ साइड्स जो है वो ज्यादा कर दिए जाए तो वो एक तरह का सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर पूरी तरह से सर्कल होता है, जो हमारा सिलेंडर है वो पूरी तरह से गोल होता है उसका बेस। ये हमारा सिलेंडर का बेस होगा जो कि पूरी तरह से गोल होता है, और जो हमारा प्रिज्म का बेस होता है उसके नीचे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ साइड्स होती हैं ऐसे करके, और ये इसका बेस होता है। अगर हम इस साइड्स को छोटा छोटा करते जाएंगे तो ये हमारा एक सिलेंडर का सर्कुलर बेस बन जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेंडर पिरामिड है वो एक सिलेंडर की तरह हो सकता है। और इसका जो सेकेंड चॉइस वाला क्वेश्चन है वो यूलर्स थ्योरम का है, जिसमें हमें जो है
यूलर्स थ्योरम की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट करने हैं फेसेस की नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमें जो है वी की वैल्यू गिवन है 6, एजेस हमें दी हुई है 12 और हमसे फेस की वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है। तो यूलर्स थ्योरम को यूज करेंगे। यूलर्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास? यूलर्स थ्योरम है हमारे पास एफ प्लस वी माइनस ई शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 2 के। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर देते हैं। एफ को ऐसे रखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं पता। वी की वैल्यू 6 है उसे पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू 2 हो गया। एफ प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आएगा, साइन आएगा बड़ी टर्म का जो कि माइनस का है, इज इक्वल टू में हमारे पास आ गया 2। ये इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 विच मीन्स की 8। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इसमें कह रहे हैं कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द 54 डेज। हमें बोला गया कि कोई एक फैक्ट्री है जिसमें 42 मशीन्स जो है वो कुछ आर्टिकल्स 63 दिनों में बनाती है। अगर हमें वही काम 54 दिनों में कंप्लीट करना है तो हमें कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास मशीन्स हैं, एक हमारे पास मशीन्स हो गया, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ डेज हो गया। इनका हमारा टेबल बन जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। अगर मशीन्स हमारे पास 42 हैं तो हमें डे कितने लगते हैं? हमें 63 डेज लगते हैं। अगर हमें यही काम 54 डेज में पूरा करना है तो हमें बतानी है कि हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो देखते हैं, अगर मशीन्स ज्यादा होगी, अगर मशीन्स ज्यादा होगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर काम करने के लिए बंदे ज्यादा होंगे, काम ज्यादा बंदे मिलके एक काम को करेंगे तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर ज्यादा मशीनें मिलके एक काम को पूरा कर रही हैं तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा काम। मतलब कि जितनी मशीन्स बढ़ेंगी उतने डेज कम लगेंगे। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम होगी। तो ये हमारा जो है वो इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन होगा। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों का सेम रहता है। मींस कि हमारे पास 42 मल्टीप्लाइड बाय 63 शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 54 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। डायरेक्ट में हमारे पास रेशियो सेम रहती है और इनवर्स में हमारे पास प्रोडक्ट सेम रहते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 42 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइड बाय 54 शुड बी इक्वल टू एक्स। 7, 6 7s are 42, 6 9s are 54, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 7, 7 into 7, 49। मीन्स की हमें कितनी मशीन्स चाहिए? हमें 49 मशीन्स चाहिए अगर हम इस काम को 54 दिनों में पूरा करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ द नंबर ऑफ द डेज ऑफ ए हिल साइड सिटी रिसीव द स्नो इन अ डिफरेंट ईयर। कोई हिल स्टेशन है, वहां पे जो जो अलग अलग सालों में जितनी जितनी बर्फ गिरी है उसका हमारे पास डाटा है। डाटे में हमारे पास बोला कि 2003 में जो है वो 8 दिनों के लिए बर्फ गिरी है। यहाँ पे हमारे पास ईयर्स है और यहाँ पे हमारे पास डेज है। 2003 में 8 दिनों के लिए बर्फ गिरी है, 2004 में जो है वो 10 दिनों के लिए बर्फ गिरी है और 2005 में जो है वो 5 दिनों के लिए बर्फ गिरी है, 2006 में जो है वो 12 दिनों के लिए बर्फ गिरी है। हमें इसका जो है वो लीनियर ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सिस लेंगे हमारी, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, वो हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी होगी वाई एक्सिस। हमें अब इन पे डाटा लिखना है। इधर हम ईयर्स ले लेते हैं, ईयर्स एक्स एक्सिस पे ईयर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम डेज ले लेते हैं। कहां से शुरू कर ले? 2001 से शुरू कर लेते हैं, 2001
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 डेज हमें डेज हम टू टू का गैप लेके छोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8, 10, 12, दो दो का गैप लिया डेज के अंदर, क्योंकि हमें 8, 10, 12 तीन जो थे इवन नंबर थे, इसलिए हमने दो दो दिनों का गैप छोड़ लिया। तो सबसे पहले 2003 में है, 2003 यहाँ पे है, 2003 में कितने दिनों के लिए बर्फ पड़ी है, 2003 में जो है वो 8 दिनों के लिए बर्फ पड़ी है, तो 2003 में 8 के सामने 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। उसके बाद 2004 है, 2004 में 10 दिनों के लिए बर्फ गिरी है, मतलब कि हमारा 2004 में 10 के सामने यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा। 2005 में 5 दिनों के लिए बर्फ गिरी है, 2005 यहाँ पे है, और इसमें यहाँ ये 4 और 6 के बीच में यहाँ पे जो होगा वो 5 होगा, तो यहाँ पे हमारा 5 दिनों के लिए बर्फ 2005 के सामने, 5 के सामने हमारा पॉइंट आ जाएगा। 2006 में जो है वो 12 दिनों के लिए बर्फ गिरी है, तो 2006 में 12 के सामने हम जो है वो पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा हो गया ग्राफ, अब बस हमें इसका लीनियर ग्राफ बना देना। ये हो गया हमारा ग्राफ।